नमस्कार, मैं कृतिका गुप्ता आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक नए लेख के साथ, जिसका शीर्षक है ज्ञान और भक्ति का अनोखा संगम, भ्रमर गीत काव्य परंपरा। इसकी लेखिका है शांभवी मिश्रा। आप इस लेख में जानेंगे भ्रमर गीत काव्य परंपरा के बारे में, तो चलिए सुनते हैं ओनली ऑन बुक ऑडियो। विरह, वेदना, वियोग, ज्ञान एवं भक्ति का अद्भुत संगम है भ्रमर गीत। एक ऐसा वृत्तांत जहां ज्ञान चुप्पी साध लेता है, जिसके आगे योग के सारे तर्क विफल हो जाते हैं। शेष कुछ रह जाता है तो वह है केवल भक्ति, संपूर्ण समर्पण। भ्रमर गीत काव्य परंपरा का मूल श्रीमद् भागवत का भ्रमर गीत है। श्रीमद् भागवत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के गोकुल त्याग देने के बाद समस्त ग्रामवासी शोक में डूब जाते हैं। श्री कृष्ण द्वारा भेजे हुए उद्धव ब्रज आते हैं तथा नंद और यशोदा के सम्मुख श्री कृष्ण के ब्रह्म स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं। उद्धव भगवान श्री कृष्ण के निर्विकार, अज, अनादि, अनंत और सर्वगत रूप का निवेदन करके नंद और यशोदा आदि को उनके उसी स्वरूप की प्राप्ति के लिए ज्ञान का उपदेश देते हैं। बाद में गोपियां उन्हें अपने साथ एकांत में ले जाती हैं। वे अपने प्रिय कृष्ण से संबंधित हर बात जानने की अभिलाषा रखती हैं। वे बार बार कृष्ण कृष्ण का स्वर उच्चारित करती रहती हैं। उसी समय एक भ्रमर उड़ता हुआ वहां आ जाता है। गोपियां भ्रमर के बहाने उद्धव को उपालंब देना आरंभ कर देती हैं। श्रीमद् भागवत में गोपियों द्वारा भ्रमर को संबोधन करके उपालंब देना ही भ्रमर गीत कहलाता है। श्रीमद् भागवत को ही आधार रखकर कई काव्य साधकों ने भ्रमर गीत की रचना की है। सभी ने अपनी मौलिकता स्थापित करने के लिए थोड़ा परिवर्तन भी किया है। भ्रमर गीत काव्य परंपरा में सूरदास जी एवं नंददास जी का नाम सर्वोपरि है। हिंदी में भ्रमर गीत की रचना करने वालों में प्रथम स्थान सूरदास जी को प्राप्त है, वहीं दूसरा नाम श्री नंददास जी का लिया जाता है। सूरदास जी ने 3 भ्रमर गीत लिखे। इसमें एक तो भागवत का ही अनुवाद कहा जा सकता है, जिसमें केवल ज्ञान और भक्ति की चर्चा चलाई गई है और भक्ति की विजय दिखाई गई है। इसके अतिरिक्त शेष 2 कवि की मौलिकता को स्पष्ट दृष्टिगत करवाते हैं। इन 2 भ्रमर गीतों में एक तो केवल एक पद का ही है। इसी एक पद में उद्धव का व्रज आना, गोपियों से कृष्ण का संदेश कहना, उनकी भक्ति का कृष्ण से निवेदन करना तथा कृष्ण का यह सब सुनकर व्यथित हो जाना, इस संपूर्ण वृत्तांत का वर्णन है। इस एक पद वाले और भागवत के अनुवाद वाले भ्रमर गीत में केवल चर्चाएं ही हैं। भ्रमरादि का आना कहीं वर्णित नहीं है। अतः इन दोनों प्रसंगों का नाम यदि कुछ और ही मान लिया जाए तो अनुचित नहीं होगा। जिसमें उनकी मौलिकता है उस भ्रमर गीत का आकलन किया जाए तो वह श्रीमद् भागवत से परिवर्तित प्रतीत होता है। सूरदास जी ने अनेक नवीनता को जन्म देकर अपनी मौलिकता का प्रदर्शन भी किया है। सूरदास जी ने सर्वप्रथम भ्रमर गीत की रचना हिंदी में की। इसे लोकप्रिय बनाने का सारा श्रेय सूरदास जी को जाता है। इनके द्वारा लिखा गया 3रा भ्रमर गीत वास्तव में महत्वपूर्ण है, जिसके अनुसार उद्धव ब्रज आकर नंद और यशोदा से मिलते हैं। गोपियां मार्ग में ही उनका रथ देखकर संदेह में आ जाती हैं कि कृष्ण ब्रज लौट आए और इसी कारण मार्ग में ही उद्धव को रोक लेती हैं। जब उन्हें पता लगता है कि उद्धव को कृष्ण ने भेजा है, वे कृष्ण के सखा हैं, तो कृष्ण की कुशलता पूछती हैं। उनके हर स्वर में कृष्ण ही विराजमान प्रतीत होते हैं। गोपियों के इसी कृष्ण मोह को भंग करने के लिए उद्धव योग एवं ज्ञान का उपदेश देना आरंभ करते हैं और गोपियों के उत्तर में सूरदास जी भ्रमर की कल्पना करके गोपियों द्वारा भ्रमर, अली, मधुप आदि संबोधनों द्वारा उनकी दशा का चित्रण करना आरंभ कर देते हैं। सूरदास जी उद्धव और गोपियों के आधार पर एक और ज्ञान की नीरसता और भक्ति की सरसता का तुलनात्मक व्याख्यान करके भक्ति की श्रेष्ठता प्रतिपादित करते हैं। दूसरी ओर विरह और उपालंब काव्य का एक अनुपम आदर्श स्थापित करते हैं।
गोपियां कभी अपना सहज लड़काई को प्रेम बताकर उद्धव के समक्ष अपनी विवशता प्रकट करती हैं, तो कभी एक हुतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईस तथा अब कैसा हूँ निकसत नहीं उद्धव तिरछे हैं जो अड़े द्वारा उद्धव के निराकार ब्रह्म को भजने में असमर्थता प्रकट करती हैं। दूसरी ओर विज्ञान मार्ग का उपहास करती हैं। उद्धव जी उनके सहज प्रेम को देख चुप हो गए। गोपियों की भावुकता सहृदयता तथा वाग वैदग्ध के सामने उद्धव का ज्ञान लोप हो गया है। वे निरुत्तर होकर मथुरा लौट आते हैं। वहां पहुंचकर वे कृष्ण से ब्रज जाने का आग्रह करते हैं। यही भ्रमर गीत का अंत हो जाता है। मानो उद्धव के पूर्ण भक्त हो जाने पर भ्रमर गीत का उद्देश्य ही पूर्ण हो गया हो। हिंदी में भ्रमर गीत की रचना करने वालों में दूसरा नाम श्री नंददास जी का है। श्री नंददास जी भ्रमर गीत की कथा को उद्धव गोपी संवाद ही बना डाले हैं। वे प्रारंभ ही उद्धव को उपदेश सुनो ब्रजनागरी से करते हैं। नंददास जी की रचना में कृष्ण उद्धव संवाद ही नहीं है, वह गोपियों से मिलने से पूर्व की संपूर्ण कथा को ही छोड़ देते हैं, उसकी चर्चा तक नहीं करते। उनके उद्धव सीधे गोपियों के बीच उपस्थित होकर कहना आरंभ कर देते हैं कि मैं तो कहीं संदेश नंदलाल को बहुरी मधुपुरी जाऊं, अर्थात तुम्हें कृष्ण का संदेश देकर वापस चला जाऊंगा। कृष्ण का नाम सुनते ही गोपियों को उनका स्मरण हो आया और वह अचेत हो जाती हैं। उद्धव जल के छींटों द्वारा उन्हें होश में लाते हैं और वे तुमते नहीं दूरी ज्ञान की अखियन देखो के साथ अपना उपदेश शुरू कर देते हैं। नंददास जी की गोपियां कम तार्किक नहीं हैं। वे उद्धव के आध्यात्मिक तर्कों के उत्तर ठीक उसी प्रकार देना आरंभ कर देती हैं। गोपियों और उद्धव के मध्य निर्गुण सगुण ज्ञान और भक्ति विषयक सुंदर और विस्तृत तर्क वितर्क होते हैं और अंत में उद्धव स्पष्ट पराजय स्वीकार कर लेते हैं। इस तरह की तार्किकता न श्रीमद् भागवत में मिलती है, न सूरदास के भ्रमर गीत में। नंददास जी के पश्चात कुछ ऐसी परिपाटी बन गई कि कृष्ण काव्य पर रचना करने वाले प्रत्येक कवि के लिए भ्रमर गीत संबंधी कुछ न कुछ रचना करना अनिवार्य सा हो गया। रीतिकाल से लेकर आधुनिक काल में भारतेंदु जी तक के अनेक पद इसी प्रसंग से संबंधित हो जाते हैं, किंतु कथा के रूप में भ्रमर गीत श्री अयोध्याय सिंह उपाध्याय के प्रिय प्रवास, श्री पंडित सत्यनारायण कवि रत्न के भ्रमर दूत और जगन्नाथ दास रत्नाकर के उद्धव शतक में ही प्राप्त होता है। कवि रत्न जी का भ्रमर दूत राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है। यह गोपियों का संदेश नहीं है, इसमें यशोदा रूप में भारत माँ श्री कृष्ण के पास संदेश भेजकर उन्हें बुला रही हैं। प्रिय प्रवास का भ्रमर गीत धार्मिकता से परिपूर्ण है। हाँ, रत्नाकर जी के उद्धव शतक में सूरदास जी की तरह भाव पक्ष भी देखने को मिलता है और नंददास जी की तरह तार्किकता भी प्राप्त होती है। इसमें यमुना स्नान के समय कमल के पुष्प को देख श्री कृष्ण को राधा जी का स्मरण हो उठता है और वो प्रेम विभोर हो जाते हैं। उनके सखा उद्धव उन्हें ज्ञान देते हैं और तब श्री कृष्ण उनसे ब्रज जाने का आग्रह करते हैं। उद्धव रथ पर चढ़ते हैं और कृष्ण संदेश कहते कहते कुछ दूर रथ के साथ चलते हैं। उद्धव जब वृंदावन से गुजरते हैं तो वहां का सौंदर्य देखकर उन पर से ज्ञान का आवरण उतरने लगता है। यहाँ कहा जा सकता है कि भ्रमर गीत काव्य परंपरा का उल्लेख तथा विभिन्न भ्रमर गीतों के स्वरूप की तुलनात्मक विवेचना अपनी पूर्णता को प्राप्त होती है। श्री कृष्ण को गोपियों की भक्ति पर अटूट विश्वास था, अतः वे निर्गुण मार्गी उद्धव के अहंकार निवारण करने हेतु उद्धव को गोपियों के पास ज्ञान संदेश देने के लिए भेजते हैं। उद्धव जब गोपियों की आत्मा की पुकार सुनते हैं तो उनका ज्ञान काफूर हो जाता है। उद्धव की पराजय ज्ञान मार्ग की पराजय है और गोपियों की विजय भक्ति मार्ग की विजय है। भक्ति में तर्क बुद्धि ज्ञान किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, जरूरी है
तो केवल ईष्ट के प्रति संपूर्ण समर्पण की, ऐसा समर्पण जो विश्वास की दृढ़ता से परिपूर्ण हो। ऐसी ही भक्ति की सीख देता है भ्रमर गीत। अभी तक आप सुन रहे थे शांभवी मिश्रा का लेख ज्ञान और भक्ति का अनोखा संगम, भ्रमर गीत काव्य परंपरा, मेरे यानी कृतिका की आवाज में। उम्मीद है आपको ये लेख पसंद आया होगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक लेख सुनने के लिए सुनते रहें बुक ऑडियो।